नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इन्फो। दोस्तों चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि केंद्र ने बढ़ाया है कदम और राज्य सरकार इस पे रिपोर्ट देगी, समान काम समान वेतन को लेकर, तो इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर के बटन पे क्लिक करके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको ज्ञात होगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय में 15 मार्च को सुनवाई हुई थी उस दिन न्यायालय ने आदेश दिया था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में तय करे कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने संबंधी हाई कोर्ट के फैसले को कैसे लागू करेगी। और 27 मार्च की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा था, तब कोर्ट ने समय देते हुए 12 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी। उसी मद में अब केंद्र ने राज्यों से स्कूली शिक्षकों की संख्या एवं उनके वेतन पर खर्च होने वाली राशि से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। केंद्र द्वारा राज्यों से मांगी गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख होगा कि सरकारी स्कूलों में कितने तरह के शिक्षक हैं, इन शिक्षकों के वेतन आदि पर हर साल कितनी राशि खर्च होती है, इसके साथ ही इससे संबंधित और भी कई जानकारी केंद्र ने राज्यों से मांगी है। यह मामला नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिए जाने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले से जुड़ा है। इस मामले में केंद्र को अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखना है। इस मामले की सुनवाई आगामी 12 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। माना जा रहा है कि इस मद्देनजर ही केंद्र ने राज्यों से कोटिवार स्कूली शिक्षकों की संख्या एवं उनके वेतन आदि पर खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा मांगा है। तो राज्य सरकार अब जल्द ही केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगी और देखना है कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के मद्देनजर किस तरह का निर्णय लेती है शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर। तो ये आने वाले 12 जुलाई को ही पता चलेगा। तो इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।